हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर पाथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना कि मैं यहाँ पे इसी तरह की वीडियोस लाती रहूँगी। आज हम बात करेंगे ऑथर्स ऑफ जैकोबियन एरा के बारे में और थोड़ा बहुत जानेंगे जैकोबियन एरा या एज क्या है। फिलहाल मैं आपको बता दूँ गाइस, जो ये वर्ड है ना जैकोबियन, वो एक लैटिन वर्ड है जो लिया गया है जैकोबस से, जैकोबस जेम्स। ठीक है गाइस, ये जेम्स एक किंग था इंग्लैंड का, जो जेम्स वन उसकी जब वो रूल कर रहा था तभी ये एज बनी थी, इसलिए उसको जैकोबियन एज कहा जाता है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं गाइस। मैं आपको मेन पॉइंट्स बता दूं कि जैकोबियन एज कब से स्टार्ट हुआ, तो डेट है 24 मार्च 1603 से लेके 27 मार्च 1625 तक ये एरा चला था और इसको रूल करने वाले जेम्स 6 एंड 1। यहाँ पे मेन बात आती है, जैकोबियन एरा सक्सीड करता है एलिजाबेथन एरा को और प्रिसीड करता है कैरोलिन एरा को, यानी कैरोलिन एरा को फॉलो करता है। ठीक है गाइस, तो ये था कुछ जैकोबियन एरा के बारे में। अब हम जानेंगे जैकोबियन एरा के राइटर्स यानी प्रोज राइटर्स के बारे में और पोएट्स के बारे में। गाइस डोंट गेट कंफ्यूज कि ऑथर्स और पोएट सेम होते हैं, नहीं, ऑथर्स और पोएट्स दोनों अलग अलग मीनिंग है। हम बात कर रहे हैं प्रोज राइटर ऑथर्स की। यहाँ पे जॉन वेबस्टर, थॉमस मिडलटन, जॉन फोर्ड एंड बेन जॉनसन आर द मेजर राइटर्स, या हम ऑथर्स भी बोल सकते हैं लेकिन पोएट नहीं बोलेंगे। ये थे हमारे कुछ मेजर राइटर्स ऑफ जैकोबियन एज के। फिलहाल हम बात करते हैं कि वैल्यू किस बात की होती थी जैकोबियन एज में। तो गाइज यहाँ पे जो भी वर्क्स लेके जाते थे, यहाँ के जो भी लोग थे वो लॉयल थे, ब्रेव थे, ऑनेस्ट थे। गाइस इन इस एज में लॉयल, ब्रेव, ऑनेस्ट और कंट्री को सबसे अच्छे से अच्छा चीज़ देना, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती थी। तो जो वर्क्स थे राइटर्स के वो भी कुछ इन पे ही बेस्ड थे। अब हम बात करते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स जैसे कि एंड्री मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन की। ये मेटाफिजिकल पोएट्स थे इस एज के। जॉर्ज हर्बर्ट की एक पोयम है द कॉलर, वो भी एक मेटाफिजिकल पोम है। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं।